हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैप्टन जयप्रीत जोशी एंड वेलकम टू माय मैं यूज कर रहा हूँ वो है डायना मैग्नम 460.177 कैलिबर कियर राइफल। इसके लिए लाइसेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे और बढ़ाएं, मैं आपको तीन बातें बताना चाहता हूँ जो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फायर आर्म ट्रेनिंग करते हैं या वेपन ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहला, वेपन हमेशा खाली हो जब तक कि आपने उसको टारगेट की तरफ एंगेज नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा वेपन को नीचे की तरफ पॉइंट करें, कभी भी, चाहे वो टॉय गन ही क्यों ना हो, कभी भी उसको किसी जीवित इंसान या पशु की तरफ एम ना करें। इट शुड नेवर बी पॉइंटेड एट एनीबॉडी। और तीसरी चीज है, हमेशा जो आपकी फायरिंग फिंगर है या जो इंडेक्स फिंगर है उसको ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखें बजाय कि ट्रिगर के ऊपर। हमेशा इस तरीके से ट्रिगर गार्ड के ऊपर उसको रखें और ट्रिगर के ऊपर कभी भी ना जाने दें। इन तीन बातों का ख्याल रखें। और अब आपने राइट शोल्डर से वेपन को फायर करना है, लेफ्ट से, वो डिपेंड करता है कि आपकी मास्टर आई कौन सी है, आपकी राइट आई मास्टर आई है या लेफ्ट आई मास्टर आई है। इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों आंखों को खुला रखते हुए एक इस प्रकार से एक शेप बनाना है हाथ, दोनों हाथों से, और करीब 10-15 मीटर दूर किसी भी एक पॉइंट को इसके बीच में से देखना है, अपने हाथ के बीच में से, ठीक है, जैसे मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। उसके बाद अपनी राइट आई क्लोज करें और देखें कि आपको दिखाई दे रहा है टारगेट ठीक से। उसके बाद लेफ्ट आई को क्लोज करें। तो जिस आई को क्लोज करने से, यानी जैसे मैंने जब पहले राइट आई को क्लोज किया था तो मेरा जो पॉइंट ऑफ एम था वो वहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने लेफ्ट आई को क्लोज किया, राइट आई से देखने की कोशिश की, तो वो जो मेरा पॉइंट ऑफ एम था वो बाहर हो गया इस फोकस से। इसका मतलब है कि मेरी जो जिससे फोकस मेंटेन रहा वो थी जब मेरी लेफ्ट आई खुली थी, यानी कि मेरी मास्टर आई लेफ्ट आई है। तो अगर मेरी मास्टर आई लेफ्ट आई है तो मुझे लेफ्ट शोल्डर से ही। अगली चीज जो ध्यान देने वाली है वो है कि साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर क्या है। इसके बारे में दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सरल भाषा के अंदर सिंपल सी बात यह है कि ये आपकी बैक साइड है और ये आपकी फ्रंट साइड है, ठीक है। जब आप अपनी बैक साइड्स के थ्रू फ्रंट साइड को, यानी कि पोल को देखते हैं, तो आपका जो पोल है, यानी कि जो टिप है फ्रंट साइड की, वो ना तो इससे ऊपर होनी चाहिए और ना नीचे, ये बिल्कुल एक अलाइन होनी चाहिए एक साथ, यानी कि ये जो गैप है वी का वो उस टिप से इस तरीके से भर जाना चाहिए और वो तीनों एक लाइन में होने चाहिए। इसके बाद जब ये काम हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं साइट अलाइनमेंट, यानी कि बैक साइड को फ्रंट साइड से मिलाने को बोलते हैं साइट अलाइनमेंट। जब साइट अलाइनमेंट हो जाए तो उसको टारगेट के ऊपर आप प्लेस करें, और मान लीजिए अगर टारगेट ही है तो उसके सेंटर में उसको रखें और फिर आप वेपन को इंगेज करते हैं। तो जो पहला वाला जो अलाइनमेंट है उसको बोलते हैं साइट अलाइनमेंट, जिसमें हम साइट को मिलाते हैं, और मिलने के बाद जब हम उसको टारगेट के ऊपर रखते हैं उसको बोलते हैं साइट पिक्चर। नेक्स्ट है कि किस तरह से हम स्टैंडिंग पोजिशन के अंदर फायर करते हैं या वेपन को इंगेज करते हैं। तो ये पेगासस की प्रेसी होल 0.177 कैलिबर की राइफल है। तो ये जो पोजीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव शूटिंग के लिए नहीं है, ये प्लिंकिंग के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए, और एक्चुअल डिप्लॉयमेंट सिनेरियो में हम काम कर सकते हैं एक फायर आर्म के जरिए भी। ये फायर आर्म नहीं है क्योंकि इसमें कारतूस नहीं चलता, इसमें पैलेट चलता है, तो ये एयर गन है। लेकिन अगर आप राइफल भी यूज करें तब भी आप इस पोजीशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी मास्टर आई लेफ्ट आई है तो मैं लेफ्ट शोल्डर के ऊपर बट को रेस्ट करूंगा, उससे पहले मैं अपनी राइफल को बैलेंस करूंगा। जब मैं अपने उसको हथेली पर रखता हूं तो मेरी राइफल ना तो आगे झुकनी चाहिए और ना ही वो पीछे झुकनी चाहिए और आगे का हिस्सा उठना चाहिए। राइफल हमेशा इस तरीके से आपकी समानांतर या पैरेलल होनी चाहिए। जब आप ये कर लें तो आगे वाला जो पांव है उसी हाथ से आपने फ्रंट हैंड गार्ड को इस तरीके से पकड़ना है, और जो आपका मास्टर आई वाला हाथ है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है, उससे आपने पिस्टल ग्रिप को पकड़ना है, उंगली को जो आपकी ट्रिगर फिंगर है यानी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको ट्रिगर के अंदर नहीं लेके जाना, ट्रिगर के ऊपर रखना है, और बट को शोल्डर में डिग करना है, बहुत जोर से नहीं, ना बहुत हल्के से, बट कंफर्टेबली। इसके बाद अपनी चीक को आपने रेस्ट करना है। अगर आप इस तरीके से रेस्ट करते तो आपकी राइफल टिल्ट होती है, तो आपकी चीक जो रेस्ट है वो डाउनवर्ड्स और अच्छी तरीके से इसके ऊपर प्रेस होनी चाहिए, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से, क्योंकि अगर मैं चीक को ऐसे प्रेस करता हूं तो मेरी राइफल टिल्ट हो जाती है।
लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ तो मेरी राइफल ठीक तरीके से टारगेट की तरफ पॉइंट करती है। नेक्स्ट स्टेप जो है, जब मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं वेपन इंगेज करता हूं तो मैं उसको नीचे से ऊपर उठाता हूं, टारगेट से ऊपर ले जाता हूं, सांस लेता हूं, सांस थोड़ी सी छोड़ता हूं और फिर टारगेट पर अलाइन करके 3 से 4 सेकंड जब मैं सांस रोकता हूं उसी टाइम मैं अपने ट्रिगर को प्रेस करता हूं। अभी ट्रिगर को हमेशा आपने जब पुल करना है या प्रेस करना है, ये चीज ध्यान है कि वो ऐसे पुल ना हो, इससे आपका एम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप ट्रिगर प्रेस करें तो अपनी जो फिंगर का जो फ्रंट क्या बोलना चाहिए इसको, जो जॉइंट है, फिंगर का जो जॉइंट है उसका जो सेंटर पोर्शन है वो आपका ट्रिगर के ऊपर इस तरह से आना चाहिए। जोर से झटका नहीं देना बल्कि हल्के से उसको स्क्वीज करना, यानी कि आपका पूरा का पूरा हाथ पीछे की तरफ आना चाहिए बजाय कि सिर्फ फिंगर पे, इस तरीके से, ठीक है। फिंगर में झटका नहीं देना बल्कि पूरी फिंगर को पीछे की तरफ खींचना है ताकि आपका ट्रिगर ऑपरेशन अच्छे से हो सके। जब आप ट्रिगर को ऑपरेट करें हमेशा ये ध्यान रखें उस समय आपकी सांस रुकी हुई होनी चाहिए। किसी कारणवश आपने जैसे एम लिया और एम लेने ये लेते टाइम आपका एम हिल गया या आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया, तो आप रेस्ट लें, दोबारा से सांस लें, सांस छोड़ें, अलाइन करें और उसके बाद ट्रिगर को प्रेस करें, ओके। ये है ओपन साइड के रिफल यूज करते हैं, जैसे कि ये डायना की मैग्नम 460 है, 0.177 कैलिबर, ये करीब 3.6 किलो उसका वेपन है, हैवी वेपन है। इसको जब आप यूज करेंगे, अभी आप देखिए मैंने किस प्रकार से इसको थाई पर रेस्ट किया है। जब मैं अपने हाथ के ऊपर वेट नहीं डालूंगा ताकि मेरा हाथ थके ना, इसको मैं यहाँ पे रखा है। जब मैं इसे कॉक करता हूँ तो ये अंडर लेवर है इसके अंदर, इसको हम कॉक करते हैं और चैम्बर के अंदर पैलेट डालते हैं। उसके बाद जब हमने टारगेट को इंगेज करना है तो जैसे मैंने आपको पोजिशन बताई थी, घुटने को हल्का सा बेंड रखें। अगर आप घुटने सीधे रखते हैं तो आपकी बॉडी थकती जल्दी है, इसलिए घुटने को बेंड रखें। ये मेरे अपने टिप्स हैं, अगर आपके लिए काम नहीं करते तो कृपया करके आप उसको फॉलो ना करें, आप अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी टिप्स हैं जो मेरे को कारगर लगी जब मैं फौज में था और मैंने वेपन डिप्लॉय किया था, और अभी भी जब मैं प्लिंकिंग या टारगेट शूटिंग करता हूं तो मैं इसी तरह से यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आपका ये जो रेस्टिंग हैंड है वो अभी आराम कर रहा है, यानी कि जो फ्रंट हैंड गार्ड पे जाएगा। उसके बाद आपने जब टारगेट को सिलेक्ट किया, आप वेपन को उठाए, उसके बाद जो अंदर रेटिकल है उसको, उसके अंदर एक प्लस का साइन होता है, उस प्लस का साइन जो है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको टारगेट के साथ अलाइन करें, जो आपकी साइड पिक्चर है, और फिर अपने वेपन को इंगेज करें। ध्यान रखें कि रेटिकल ना तो राइट की तरफ मुड़ाओ ना लेफ्ट की तरफ मुड़ाओ, और आपका ट्रिगर ऑपरेशन सेम उसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया। अगर हम इसको इस एंगल से देखें तो फिर आप पोस्चर देखिए, राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव पीछे, वेपन को ऊपर ले गए, सांस ली, थोड़ी छोड़ी, अलाइन किया, ट्रिगर प्रेस किया। ये ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिस्टल ग्रिप बोलते हैं जिसको, ये ग्रिप जो है स्ट्रांग होना चाहिए, राइफल पीछे खींची भी रहनी चाहिए, और इस हाथ से आपने इसको कस के पकड़ना नहीं, सिर्फ इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। जो फ्रंट हैंड ये जो गार्ड है इसको आपने ऐसे कस के पकड़ना नहीं है, आपने सिर्फ इसको रिलैक्स रखना है ताकि राइफल इस पर रेस्ट कर सके। मेन जो आपका ग्रिप है वो ये ग्रिप है, ठीक है, इससे आपका वेपन जो है अच्छे से डिप्लॉय हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल था कि किस प्रकार से हम स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर का ध्यान देते हुए दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन करते हुए अच्छी प्रकार से टारगेट एंगेज करते हैं, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। आप प्रैक्टिस करें और आपको, लेकिन सेफली प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन होता है किसी भी तरह की फायरिंग है, या तो फायर आर्म या एक स्प्रिंगर या एयर गन को जब आप यूज करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछें, कमेंट्स में लिखें, अगर मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की, अगर नहीं होगा तो मैं आपको तब भी जवाब दूंगा कि आप किससे कंसल्ट करें कि आपको दुरुस्त आंसर मिल पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसे उन बाकी लोगों को, टिल नेक्स्ट टाइम अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू एंड योर फैमिली हैव अ ग्रेट एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली।
अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो होगा किस प्रकार से हम हैंडगन यानी कि पिस्टल और रिवॉल्वर को दुरुस्त तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें अच्छी एमिंग कर सकते हैं, उसमें हम ग्रिपिंग, टारगेट एक्विजिशन और ट्रिगर मैनिपुलेशन किस प्रकार से करना है उसके बारे में सीखेंगे। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन।